अलग अलग एक एक डिपार्टमेंट के द्वारा, एक एक स्कीम के द्वारा कितने हजार लोगों को, कितने लाख लोगों को हम आप स्किलिंग कर रहे हैं। मैं आप आदरणीय स्पीकर महोदय से अनुमति से मैं बताना चाहता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल कैरियर सर्विस में 65,000 वर्कर्स को हम रजिस्टर किया है, उसमें 8,900 एम्प्लॉयज ऑलरेडी रजिस्टर हो गए। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंदर अभी 47 लाख का नौजवान को रोजगार मिला है। उसके साथ साथ अलग अलग अभी मैं बताना चाहता हूं, जो हम नरेंद्र मोदी जी सरकार आने के बाद 7 लाख करोड़ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में 7 लाख करोड़ हम खर्च किया है नॉर्थ ईस्ट में। आपका सरकार जब था कांग्रेस सरकार, जीबीएस नहीं बढ़ाने कितना बता रहे हो, जीबीएस के अंदर 36,000 करोड़ खर्च करते थे। अभी नरेंद्र मोदी जी सरकार फाइनेंस में जीबीएस के द्वारा 76,000 करोड़ हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में खर्च कर रहे हैं। उसके साथ साथ अभी पहला एयरपोर्ट से 9 एयरपोर्ट्स थे नॉर्थ ईस्ट का विकास के बारे में। लिप सिंपति बता रहे, लिप सिंपति नहीं है, हम प्रैक्टिकली डेवलपमेंट करके आज हम संसद के सामने बता रहे। 9 एयरपोर्ट्स आजाद के बाद, आपका सरकार जब 14 तक थे 9 एयरपोर्ट्स थे, 8 साल मोदी जी आने के बाद 16 एयरपोर्ट्स आया। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर केबल नॉर्थ ईस्ट में न्यू क्योंकि केबल ऑपरेटर्स है तो न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। उसके साथ साथ डिजिटल कनेक्टिविटी, टूरिज्म, टेक्निकल एजुकेशन, हेल्थ के बारे में भी नए अपॉर्चुनिटीज नॉर्थ ईस्ट के नौजवान को मिल रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 7,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, 7,000 वेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को डायबिटीज कैंसर के बारे में भारत सरकार खोले हैं। जी क्वेश्चन नंबर अभी लास्ट, अभी अरुणाचल प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इंस्टीट्यूट ऑफ आईआई का भी टेक्नोलॉजी है, असम में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, असम में भी IIT गुवाहाटी में है, नीट सिलचर में है, IIT गुवाहाटी में है। वैसा नॉर्थ ईस्ट में हायर एजुकेशन के बारे में भी नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद हम विकास के रास्ते पे ले जा रहे हैं। अभी पहली बार नॉर्थ ईस्ट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए भारत सरकार प्रयास करे। आपके राज्य में जो बच्चे बंदूक पकड़ते थे, आपके राज्य में जो कर्फ्यू होता था, आपके राज्य में लैंडर का समस्या होता था, वही बच्चे आज नॉर्थ ईस्ट के नौजवान के हाथ में कंप्यूटर्स दे रहे, नॉर्थ ईस्ट नौजवान के हाथ में विकास के रास्ते पर भारत सरकार मोदी सरकार ले जा रहे। कोई कंपैरिजन नहीं है, आपका सरकार का हमारे सरकार का कोई कंपैरिजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 162